हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। मैं आज आपको बताऊंगी इस मानसून में आप अपने जरूरत की केयर कैसे करें। देख रहे हैं आप इसकी कंडीशन क्या हो गई है। ये इसके पत्ते बिल्कुल बेकार हो गए, वहाँ पर रखे हुए थे बिल्कुल पीछे की साइड में, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी क्योंकि हिबिस्किस रखे हुए थे, दो तीन प्लांट और पीछे लगे हुए थे, बिल्कुल लास्ट में लगे हुए थे कि बहुत गर्मी पड़ रही थी तो शेडी प्लेस के लिए मैंने पीछे की साइड रख ली दिए थे, तो वहीं पर रखे हुए थे और इसकी देखभाल नहीं ठीक से हो पा रही थी। तो अब मैंने देखे दो दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो मैंने अब देखा तो थोड़ा टेंशन हो गई मुझे, मैंने फटाक से इसे बाहर निकाला। तो ऐसी जगह रखे जहां आप इसकी देख भी सके, केयर भी कर सके। तो अब इनको इनके जो भी सले सड़े गले पत्ते हैं या काले पत्ते हैं या जिसमें जो डंडी जिसमें फूल निकलते हैं वो टूट गई हैं, रह गई हैं उसमें, क्योंकि पीछे होने की वजह से उन्हें भी तोड़ नहीं पाती थी, तो उन सबको निकालना क्योंकि वो गल रही हैं और गलने की वजह से फिर और भी प्लांट में फंगस फैल जाएगा। वैसे तो मैंने अभी रिसेंटली फंजीसाइड डाला था 15 दिन पहले, ये 8 दिन पहले डाला होगा, येलो कलर का जो फंजीसाइड था वो मैंने डाला था सभी प्लांट पे, पर फिर भी जो पत्ते ख़राब होने लगे हैं, शायद इसके नीचे प्लेट लगी हुई थी इस वजह से ख़राब हो गए। वो पीछे की साइड थे तो हटा नहीं मिला प्लेट मुझे, इस वजह से शायद में ये हो गया था। और जितनी भी इसके अंदर जो बीड्स वगैरह है वो सब निकाल दीजिए, एक्स्ट्रा बीड्स हैं या जो भी एक्स्ट्रा ख़राब पत्ते हैं, देख रहे हैं आप ये इस तरह के काले पत्ते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा तो बाकी सारे प्लांट में फैल जाएगा। और इसमें ये घोंगे वगैरह भी हैं, कीट वगैरह भी, वो भी मैं निकाल दे रही हूँ सारे। और ये देखिए बहुत ढेर सारे पत्ते सड़ रहे थे, स्पैक्स भी जो थी जिसपे फूल निकलते थे वो भी ख़राब होके गल के वहीं रह गई हैं, फूल तो झड़ गया मगर वो वहीं पर ख़राब हो गई। तो इन सबको निकाल के साफ़ करके अच्छे से फिर मैं इसमें फंजीसाइड का पाउडर डालूंगी। फंजीसाइड ये बहुत ज़रूरी है, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो आपके पास चाहे पाउडर फॉर्म में हो, आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिक्स करके और पूरे में डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए तो अच्छे से हो जाएगा, इसमें फंगल इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। और आप इसे शेडी प्लेस में रख दीजिए, ऐसी जगह जहाँ धूप तो आए मगर डायरेक्ट पानी नहीं आए, बालकनी में जैसे स्पेस होता है जहाँ पर एकदम से सीधे पानी नहीं आता है, हवा के थ्रू हाँ बारिश होती है तभी पानी आता है, धीरे धीरे बारिश होती रहे तो नहीं आएगा, तो ऐसी जगह रखे डायरेक्ट पानी ना आए। इस तरह की जितने भी बीड्स है, ये सरसों के कुछ पौधे निकल आए हैं तो वो सारे निकाल दीजिए, क्योंकि सरसों से माहू बहुत जल्दी लगती है, सरसों पर पीले की वजह से माहू बहुत आती है। देखिए कितना कबाड़ निकला है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी निकल रही है, सारी मैं कंपोस्ट में डाल दूँगी। और ये इतना सा, बस इतना सा डालूंगी क्योंकि बहुत फंजीसाइड लिक्विड है ये, तो ये इसे मैं इसमें डाल करके अच्छे से घोल लूँगी, घोल के मैं सारे प्लांट के ऊपर से मैं डाल दूँगी। इसे घोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक जगह रह गया क्योंकि ठीक है तो घोलना बहुत ज़रूरी है, तो इसे अच्छे से, अभी मैं स्प्रेयर नहीं है मेरे पास में तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी मिट्टी में और इसके पत्तों पर सब में डाल दूँगी, स्पेशली क्राउन के ऊपर तो ज़रूर डालूँगी जिससे क्राउन में फंगल इन्फेक्शन ना हो। मेरे लास्ट ईयर मेरे कम से कम 7-8 प्लांट थे और ये मेरे पास 4 ही बचे हैं, एक ये है और एक ये है और एक और है, एक नीचे मिलेगी, केवल मेरे पास 3 बचे हैं, सारे ख़राब हो गए क्योंकि सर्दियों में ऊपर लाने पड़े थे पेंटिंग की वजह से, तो यही ख़राब हो गए ठंड की वजह से, तो ये केवल 3 बचा पाई मैं। तो अब ये मैंने 14 इंच के प्लांटर में लगा दिए थे। और जितने भी इस तरह के बीड्स हैं वो सभी निकाल दीजिए और मिट्टी इसकी ऐसी रखिए कि बिल्कुल सैंडी सोयल हो, देख रहे हैं आप कितना कचरा निकला है। और एक ये है प्लांट, इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से, पूरी सारी पत्तियाँ ख़राब ख़राब निकाल दूँगी और फिर इसे फंजीसाइड से नहला दूँगी, मिट्टी में भी डाल दूँगी। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलते चलते मैं आपको अपना सुंदर सा हिबिस्किस दिखा देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।